डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों, ये क्लास सिक्स का एनसीईआरटी का मैथ है, चैप्टर फाइव और एक्सरसाइज 5.9। तो इस चैप्टर को अगर हम लोग कंप्लीट करते हैं तो एक्सरसाइज चैप्टर फाइव का जो है पूरी तरह ये कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये काफ़ी आसान है, इसको हम लोग मैच करने के लिए दिया हुआ है तो मिला लेते हैं। मैच द फॉलोइंग कौन, ये शेप दिया हुआ है और यहाँ पर नेम दिया हुआ है, तो नेम और शेप को मैच करना है। तो कौन इसमें से कौन सा है, तो ये सब फिगर हम लोग टू क्लास थ्री क्लास के मैथ से ही टू क्लास के मैथ में ही मिलने लगता है, तो इसीलिए हम लोग इसको नॉर्मली जानते ही होंगे। तो कौन जो है ये है, ये शेप रहता है, तो कौन ये शेप जो है इससे हम इसको मैच करते हैं। ये जो बर्थडे में ये टोपी जो आता है बच्चों का, तो वो कौन शेप होता है। उसके बाद स्फीयर, स्फीयर का मतलब होता है गोला, गोलाकार। तो गोलाकार जो होता है वो बॉल जो होता है वो गोलाकार होता है, तो बी जो है फोर नंबर में चला जाएगा, ये यहाँ से यहाँ मैच होगा। उसके बाद सिलेंडर, तो सिलेंडर देखते ही हैं, सिलेंडर जो है घरों में गैस सिलेंडर जो होता है, तो किस फिगर से मैच कर रहा है, ये फिगर जो है सिलेंडर से मैच कर रहा है, तो ये सिलेंडर है, तो इसको हम यहाँ से यहाँ मैच करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ मैच हो जाएगा फाइव नंबर में। उसके बाद क्यूबॉइड दिया हुआ है, तो क्यूबॉइड जो है वो इस तरह का जो ब्रिक शेप होता है, ईंट का शेप जो होता है, या मैच बॉक्स जो होता है, उस तरह का सैप को क्यूबॉइड कहते हैं। तो यहाँ पे इसको इससे मिलाते हैं, ये क्यूबॉइड हो गया। उसके बाद हो गया पिरामिड सैप, तो पिरामिड जो होता है वो इस तरह का होता है, ट्रायंगल होता है और वो लंबा सा ऊंचा उठा हुआ होता है, तो ये सैप हो गया। तो लास्ट यही बचा हुआ है, तो ये यहाँ से यहाँ वन नंबर पर, ये इस तरह से हम इसको मैच कर सकते हैं और ये कम्प्लीटली कम्प्लीट हो जाएगा। गिव टू न्यू एग्जाम्पल ऑफ इच सैप, तो इसके और दो दो एग्जाम्पल्स देने के लिए कह रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप खुद भी कर सकते हैं। इसके बाद दिया हुआ क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, तो ये यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। व्हाट शेप इज, तो ये शेप जो है किस प्रकार का शेप ये बतला रहा है। योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है जिसमें कई सारे टूल्स होते हैं, तो वो बॉक्स जो है किस शेप में है, तो बॉक्स जो है आपका इस शेप में है, ये इस तरह का रहता है, कोई भी बॉक्स जो है इसी शेप में रहता है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं, तो ये क्यूबॉइड शेप में है, तो हम यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं क्यूबॉइड, ये हो गया क्यूबॉइड शेप। उसके बाद बी नंबर में ए ब्रिक, तो ब्रिक जो होता है, ब्रिक मतलब ईंट होता है, और ईंट जो होता है वो इसी शेप में होता है, क्यूबॉइड शेप में, तो इसका भी आंसर वही हो जाएगा क्यूबॉइड, ये इसका आंसर हो गया क्यूबॉइड। उसके बाद ए मैच बॉक्स, माचिस भी उसी शेप में होता है, क्यूबॉइड शेप में, तो इसका आंसर भी वही हो जाएगा, ये हो गया। ए रोड रोलर, तो रोड रोलर इस शेप में होता है, देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से वो चलते रहता है, राउंड करता है, तो ये सिलेंडर शेप हो गया, तो यहाँ पे हम सिलेंडर लिख लेते हैं, सिलेंडर ये हो गया इस शेप में। उसके बाद लास्ट में दिया ये स्वीट लड्डू, एक लड्डू जो होता है वो इस शेप में होता है, ये गोलाकार, तो ये कौन सा शेप है, स्फीयर, तो इसको हम स्फीयर लिख लेते हैं, ये हो गया स्फीयर। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 5.9 पूरी तरह कंप्लीट हो गया है, और इसी के साथ चैप्टर 5 भी कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से हेल्प मिलता है, तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसके बाद चैप्टर 6 को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो पर चलेंगे, तो आइए नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं।